नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी, और आज के इस खास एपिसोड में हम बताएंगे नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां, अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं और घर में 9 दिन तक माता की पूजन करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा का पावन त्यौहार शुरू होने वाला है। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि के पर्व की धूम पूरे 9 दिन तक रहेगी। इस दौरान माता रानी की पूरी विधि विधान से पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दौरान कई नियमों का पालन भी करना होता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन देवी माँ के स्वरूपों की उपासना की जाती है। पर्व के दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। इस दौरान भक्त व्रत के कुछ नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों से पहले भी हमें माँ की आगमन की तैयारी करनी होती है ताकि माँ दुर्गा खुशी खुशी हमारे घर पधारे। ऐसे में आज हम आपको ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले निपटा लेना चाहिए। नवरात्रि से पहले अगर आपने ये खास काम नहीं निपटाए तो साधक को देवी की उपासना और व्रत का फल नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, माता रानी आपकी चौखट से लौट भी सकती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से जरूरी काम हैं जिन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले निपटा लेना चाहिए। सबसे पहला काम, पूरे घर की सफाई। जी हाँ, नवरात्रि का शुभ पर्व आने से पहले घर की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। देवी माँ घर में पधारने से पहले जाले, जंग और गंदगी का अच्छी तरह से सफाया कर दे। ऐसा कहते हैं कि गंदगी वाले घर में माता को स्थापित करने से भक्तों पर उनकी कृपा नहीं रहती। घर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। दूसरा काम, दरवाजे पर स्वास्तिक। जी हाँ, सनातन धर्म में स्वास्तिक का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से हमेशा माता की कृपा रहती है। उनके स्वागत से पहले दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। इसके अलावा घर के मंदिर और माता की चौकी के स्थान पर भी स्वास्तिक बनाना ना भूलें। तीसरा काम, व्रत की सामग्री। जी हाँ, घर की अच्छी तरह से साफ सफाई के बाद व्रत की सामग्री लाना शुरू कर दीजिए। इसमें व्रत और पूजन सामग्री की चीजों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास में कट्टू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबुदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवा, मूंगफली आदि जैसी चीजें पहले ही मंगा कर रख लिए। चौथा कार्य, तामसिक भोजन। जी हाँ, अगर आप मांसाहारी हैं तो नवरात्रि की साफ सफाई होने के बाद अंडा, मांस, मछली जैसी चीजों को घर में ना लाएं। इसके अलावा लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों से भी दूरी बना लें। घर के अंदर या घर के बाहर भी खान पान की चीजों का विशेष ध्यान रखें। शराब या नशीली चीजें ना तो घर में लाएं ना ही बाहर इनका सेवन करें। पांचवा काम, कपड़ों का इंतजाम। जी हाँ, नवरात्रि में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि में कभी भी काले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभता का प्रतीक माना गया है। इस दौरान पीले, लाल या हल्के रंग के कपड़े पहने। ऐसे कई कार्य हैं जो नवरात्रि से पहले निपटा लेना चाहिए, जैसे बाल, नाखून, दाढ़ी बनवाने जैसे कार्य पहले निपटा ले। नवरात्रि में 9 दिन दाढ़ी, मूछ, बाल या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता। सर्वपितृ अमावस्या समाप्त होते ही ये काम निपटा ले, नहीं तो प्रतिपदा तिथि लगने के बाद आपको ये काम निपटाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।